दर्शन देने के लिए गया था। कानपुर आप जानते हैं कि एक जमाने में क्रांतिकारियों का घर था। नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कानपुर में इकट्ठे होकर आज़ादी की योजनाएं बनाया करते थे। बहुत ऐतिहासिक शहर है, तो वहाँ एक बार मैं व्याख्यान देने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ चाय की कुछ दुकानें हैं, आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगे। तो एक चाय की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था, मेरा अचानक से मोबाइल फ़ोन बज गया। मैंने रुक के उस मोबाइल फ़ोन को सुनना शुरू किया, तो एक कान से मैं मोबाइल फ़ोन सुन रहा था, दूसरे कान से एक चाय की दुकान पर एक माँ और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। दोनों बातें मुझे सुनाई दे रही थी, फ़ोन भी सुनाई दे रहा था, उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तो माँ और बेटी आपस में बात कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया और मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी, तो उनकी बात का एक ही विषय था। बेटी अपनी माँ से पूछ रही थी, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो उसकी माँ समझा रही थी कि हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया। तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया, मैंने उनकी बातों में हस्तक्षेप किया और मैंने कहा कि भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया, हमारे देश की शासन व्यवस्था ने आपको गरीब बनाया, सरकार ने गरीब बनाया। अगर भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जन्म क्यों देता? पाकिस्तान में पैदा कर देता, बांग्लादेश में पैदा कर देता, अफ्रीका में पैदा कर देता, इंडोनेशिया मलेशिया में पैदा कर देता, आपको भारत में जन्म क्यों दिया उस भगवान ने, जो स्वर्ण भूमि है, जो पुण्य भूमि है, जो शहीदों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, जो हजारों साल तक सारी दुनिया का केंद्र रही है, ऐसे देश में आपको जन्म मिला है। तो ये तो आप भूल जाइए कि भगवान ने आपको गरीब बनाया, इस देश की सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने आपको गरीब बनाया। तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचय पूछ लिया, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये चाय की दुकान कब से चलाते हैं, वगैरह वगैरह। जब उन्होंने परिचय दिया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन हट गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूँ। वो माँ ने, उस बेटी ने परिचय दिया कि हम तांतिया टोपे के वंशज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाय बेचने के लिए मजबूर किया है। उस दिन मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि तांतिया टोपे के वंशज अगर इस देश में चाय बेच रहे हैं, कौन सी आजादी की बात हम कर रहे हैं? और उससे ज्यादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तांतिया टोपे, जिन्होंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई, आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तांतिया टोपे, 1857 का जो क्रांति का संग्राम हुआ, नाना साहब पेशवा के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया, नाना साहब पेशवा को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, झलकारी बाई को, सारे उनके सहयोगियों को शहादत हो गई, सबसे अंत में तांतिया टोपे पकड़े गए थे। इतने कुशलता के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचे हैं इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए। और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में, वो लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर राज करें, उनके परिवारों के लोग केंद्रीय मंत्री बनकर इस देश में राज करें। आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है, अंग्रेजों से कितनी वफादारी उन्होंने निभाई है। 1857 की लड़ाई में एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में, वो लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर राज करें, उनके परिवारों के लोग केंद्रीय मंत्री बनकर इस देश में राज करें। आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है, अंग्रेजों से कितनी वफादारी उन्होंने निभाई है। 1857 की लड़ाई में एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रही थी। उस सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री बने, और तांतिया टोपे के परिवार के लोग, हमारे देश में तांतिया टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचने पड़े।
सितारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके, आपको मालूम है, और एक एक राज्य के नहीं दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं, और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है और ये अब बर्दाश्त नहीं होता, और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी, तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा, झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी, एक कहानी सुनाता हूं।